Thank you. बहुत एक्साइटेड है, जिस तरीके की बस बनी हुई है और जिस तरीके से मीडिया को और सब दोस्तों को पसंद आ रही है, तो बहुत खुशी है कि इतने टाइम से जब बॉलीवुड की फिल्मों में थोड़ा सी मायूसी छाई हुई है, उसमें ये फिल्म एक पूरी मास एंटरटेनर की तरह लोगों को पसंद आ रही है। तो अभी बुकिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी एक अच्छी साइन है, तो लोग बहुत एक्साइटेड है। सर अभी बताइए, वन को देखे वन काफ़ी अच्छी फिल्म थी, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आपको लगता है सिर्फ लोगों का सिर्फ ये होगा कि ये फ्रेंचाइज है, सेम फ्रेंचाइज हमने वही उठाई है, अदरवाइज़ फिल्म एक्टर्स एवरीथिंग इज पूरी सब चीज़ें डिफरेंट है, पूरी कहानी नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, इट इज़ अ फ्रेंचाइज विच इज़ गोइंग फॉरवर्ड, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंपैरिजन आएगा। मसाला इंटरटेनर है, इसमें कॉमेडी है, इसमें हॉरर है, इसमें एक्टिंग है, इसमें गाने हैं और एक स्केल है, तो वो सब चीज़ें लोगों को आई थिंक पसंद आएंगी, वो आ रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। Yeah.
तो होने दे। हाँ चलो दादा, हमें खालती है वर्दी काउट नहीं ना, करती नहीं ना, मैं मिलता हूँ। बाइट्स कर रहे हैं, आराम से आराम से गाइस, आराम से। क्यारा बोले कितना एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। और जिस तरीके का रिएक्शन अभी प्रेस मीडिया का रिस्पांस आ रहा है उनका, क्योंकि स्क्रीनिंग हुआ है, बहुत ही ओवरवेलमिंग है। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच इट नाउ, तो बस ऊपर जाके देखने जाते हैं। कार्तिक भूल भुलैया वन बहुत अच्छी फिल्म थी और प्रोग्राम काफी पसंद किया जी। भूल भुलैया टू में आपको लगता है एडिट रिस्पांसिबिलिटी हो गई आपको? मैं आगे कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, रिपोर्ट कार्ड आ जाएगी, हम उसी का इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म को लेके, क्यों पसंद आएगी फिल्म? अच्छी कहानी है, अच्छे किरदार है, और जिस तरीके का रिस्पांस अभी तक ट्रेलर को आया है, म्यूजिक देखो क्या बोल रहे हैं तो ये जो रिस्पांस हर जगह आ रहा है उसमें अपने आप पता चल जाता है फिल्म का वाइब। आपको लगता है बॉलीवुड में एक तरह से अभी एक स्लैग वो चल रहा था कि अच्छी फिल्में सारी चल रही हैं, एंड भूल भुलैया 2 भी अच्छी फिल्म है तो वो भी चलेगी। थैंक यू सो मच। अभी बाद में प्रेस की एक मिनट हो गया। अरे कोई है नहीं क्या बबलू भाई का बंदा है? इतना रे बाबा रुकना, अभी अभी हो जाएगा, हो जाएगा। चारों जी चारों जी रुकना पड़ेगा। कार्तिक भाई सोलो। हेलो कार्तिक भाई, फैमिली फोटो। कार्तिक भाई इधर आइए ना। नाम नहीं आ रहा। आता रहे बन्ना। हाँ बस आ जाइए। हाँ कार्तिक भाई यहाँ पे, कार्तिक भाई लुकिया यहाँ पर, ऑल ऑफ यू यहाँ पर।
हाँ मारना लोकर मारना फोटो जाइए कार्तिक भाई सोलो 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 कार्तिक भाई बस काफ़ी एक्साइटेड है यार। मुझे लगता है कि ये फिल्म का जैसे ही ट्रेलर आया, आप पहले ट्रेलर से समझ जाते हो कि फिल्म चलने वाली है कि नहीं। और ये फिल्म ऐसी है जो मुझे लगता है सारी सब लोग देखना चाहते हैं। सर भूल भुलैया वन काफ़ी अच्छी फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन जी थे और काफ़ी अच्छी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। लगता है कि ये लोग कॉम्पिटिशन करेंगे। देखिए कंपटीशन की बात ही नहीं है, वो तो आप ये देखनी होगी फिल्म डेफिनेटली। मुझे लगता है सेकंड पहली वाली भी बहुत ही अच्छी थी और इसका जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छा है, इसका वाइब बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोग देखना जाना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू।
भूल भुलैया को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और यार आज जो है ये दिन आ गया कि कल भूल भुलैया पूरे हर सिनेमा घर में होगी, तो खूब सबको एंजॉय करे और लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आई एम बस दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू। यार मैंने पिक्चर देखी नहीं अब तक, क्या बोलूं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कार्तिक बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा और काफ़ी टाइम के बाद मैं उसकी एक थिएट्रिकल रिलीज देखने जा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पार्ट वन बहुत पसंद है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट टू। आई डोंट थिंक कंपेयर करेंगे, इतना टाइम हो गया ना पार्ट वन रिलीज हो के, काफ़ी साल हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया। तो आप क्या देखने जा रही हैं कार्तिक का परफॉर्मेंस के अलावा और क्या देखने जा रही हैं? मतलब मुझे हॉरर कॉमेडी जॉनर बहुत पसंद है, सो मुझे आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। यार मैं दो फिल्में कर रही हूँ, एक हिंदी में और एक तेलुगू में। मैं दोनों के बारे में अब तक बात नहीं कर सकती क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन मैंने अभी सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक फिल्म कंप्लीट करी है युद्रा करके, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, तो दैट्स माय नेक्स्ट रिलीज। थैंक यू। बड़ा एक्साइटेड हूँ, लव द ट्रेलर और बहुत एक्साइटेड हूँ। कार्तिक और कियारा और राजपाल सर जो मेरे फेवरेट हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ। कंपेयर तो करेंगे, ठीक है। देखने से पहले देखने तो दो पिक्चर। हाँ अरे मैंने पिक्चर नहीं देखी, क्या रिएक्शन दूँ? क्या बधाई दूँ आपको? बधाई देना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी अवेटेड फिल्म
और आई थिंक बहुत मज़ेदार होगी. इट्स अ मच लुक फॉरवर्ड टू फ्रेंचाइज. आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म. सोनाक्षी जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं भूल भुलैया 1 जो थी बहुत क्लासिक फिल्म थी और बहुत मास एंटरटेनर थी, आपको लगता है लोग कहीं ना कहीं कम्पीट करेंगे इस चीज़ को लेकर भूल भुलैया? कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, जब एक फ्रेंचाइज की फिल्म वापस आती है तो मतलब आप उसी को बढ़ाना चाहते हैं. तो आई थिंक वही होगा. आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशन की कोई बात है. सॉरी बॉलीवुड में एक स्लैक पीरियड चल रहा था, कुछ ज़्यादा फिल्में इतनी आ रही थी पर उतनी ज़्यादा चल नहीं रही जी. तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितना धमाल मचा सकती है? आई होप जितना बड़ा बवाल मचा पाए उतनी मचाए, बिकॉज हाँ कोविड की वजह से हम थोड़ा तो सफ़र किया है हमने. And I hope ki you know films like this get people back into the theaters. And to main to ja hi rahi hu theater mein, aap log bhi please jaiye. Thank you. हेलो एवरीवन, यहां सर फिल्म की बात की जाए भूल भुलैया 2, सर कितना एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए? जिस दिन मैंने ट्रेलर देखा था मैं कह सकता हूँ कि बहुत सरप्राइज था कि इस तरह की फिल्म, यू नो, क्योंकि पहली फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और ये फिल्म उस पहली फिल्म से एक लेवल आगे है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं इसमें. सब तरह का ड्रामा है, कॉमेडी है, मसाला है, बेस्ट एक्टिंग होने वाली है. सो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. सर, जैसे आपने पहली फिल्म भूल भुलैया बहुत अच्छी फिल्म थी, तो वो आज भी याद हो सकता है, आपको क्या लगता है कि वो फिल्म को और ये फिल्म को देखे लोग जो है थोड़े मतलब कि कॉम्पिटिटिव रहेंगे, मतलब उस फिल्म से देखिए कंपैरिजन तो हर चीज़ का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी होना भी चाहिए. लेकिन जब आप एक लेवल आगे जाते हैं, जिस ट्रेलर आया था उसी वक्त लग रहा था कि ये उसका नेक्स्ट पार्ट 2 है और ये एक स्टेप आगे होने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि
कार्तिक आर्यन बहुत कमाल के एक्टर हैं, इसमें तबू जी हैं और कियारा है, सो इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक फिल्म। बॉलीवुड में एक स्लैक पीरियड चल रहा है, मतलब कुछ फिल्में आ रही हैं जो इतनी हिट भी नहीं हो पा रही हैं थिएटर्स में, आपको क्या लगता है ये फिल्म वो चीज तोड़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें हमारी फिल्म द कश्मीर फाइल्स से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस फिल्म से लोगों ने थिएटर में आना स्टार्ट किया। सो फिल्म अच्छी होती है तो हमेशा लोग आते हैं, और मुझे इस फिल्म से पूरी उम्मीद है क्योंकि ये भूषण जी ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें कमाल की कास्ट है, डायरेक्टर हमारे कमाल के हैं, तो मुझे उम्मीद है ये फिल्म बहुत चलेगी। आने वाले टाइम में हम आपको देख सकते हैं कोई हॉरर कॉमेडी का सोचा? मैं या लव टू डू इट, बिकॉज मेरे ये पसंदीदा जॉनर है और मैं लव टू डू इट। और नेक्स्ट फिल्म मेरी बहुत जल्द आने वाली है, भूषण जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म धोखा, वो एक सस्पेंस थ्रिलर है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा उसमें। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय 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 बाय, फोटो ले लेना बाय। Yes, very excited and darna bhi hai, hasna bhi hai and was waiting because I loved the entire trailer and Bhushan Kumar mere bhai hain, Murad Khetani, Anjum Khetani, so their family, so very excited to watch the film, abhi jayenge shuru hone wali hai। Sir, Kartik Aaryan ki performance ko lekar, Kartik Aaryan ne abhi tak jo hai serious films ki hai ya comedy ki hai, but horror comedy mein first time aa rahe hain, to कार्तिक इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, वो किसी भी चीज़ में ही जस्ट फिट्स परफेक्ट एंड इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा, आई लाइक द सॉन्ग भूल भुलैया, ट्रैक इज डन वेरी वेल एंड दैट्स इट। क्रॉस ऑल फिंगर्स एंड होता है हर चीज़ का बिजनेस अपडाउन होता है, वक्त इस वक्त हमारा थोड़ा is not with us, but yeah, I hope and pray Bulbula is a breakthrough। बहुत ज़्यादा कॉमेडी, गरम ट्रेलर, गरम रिपोर्ट्स, सुपर हिट। सर, कार्तिक आर्यन की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन जो है अभी तक हम देखते आए हैं कि ये कॉमेडी फिल्म में आए हैं, सर ये हॉरर कॉमेडी में आ रहे हैं, सर आपको कितना एक्साइटेड है इसको? बहुत अच्छी उम्मीद है, अभी देखने दो, फ्यूचर देखते हैं। सर, बॉलीवुड में एक स्लैक पीरियड चल रहा है सर, कुछ फिल्में आ रही हैं बट वो इतनी चल नहीं रही हैं, आपको लगता है दुनिया में स्लैक चल रहा है ना? अभी 2 साल से दुनिया बंद थी,
खुल रही है इससे खुलेगी। चलो शुक्रिया। ट्रेलर देखा है, सीम्स लाइक अ फन फिल्म। द फर्स्ट फिल्म वाज लॉट ऑफ फन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बॉलीवुड में इंपैक्ट की जगह चल रहा है, कोई बड़ी फिल्में आ रही हैं बट इतनी हिट नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे ये फिल्म क्या वो चीज़ तोड़ पाएगी, उस लाइफ में तोड़ पाएगी? आई होप सो। एक दौर आया था पहले भी कि जब सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में चलती थी 1980s में, लेकिन उस दौर से निकल गई फिल्म इंडस्ट्री, वापस हिंदी फिल्में चलने लगी। तो शायद कोविड के बाद ऐसा दौर आता हुआ दिख रहा है कि जहाँ साउथ इंडियन फिल्में वापस चल रही है, बट आई जस्ट होप हिंदी फिल्म्स यू नो दे डू बेटर सून इनफ। इट्स टू डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म बिकॉज इट्स माई फ्रेंड्स फिल्म, सो आई होप इट्स गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भूल भुलैया वन इज़ आइकॉनिक एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच भूल भुलैया टू ऑल्सो बिकॉज कार्तिक इन इट एंड कियारा इन इट एंड तब्बू मैम इन इट एंड थिंक इट्स गोइंग बी अमेजिंग। बहुत एक्साइटेड हूँ। भूल भुलैया वन जैसा आपने कहा कि आइकॉनिक फिल्म थी, तो आपको लगता है कि लोग जो है काफ़ी कंपेयर करेंगे इसको लेके और भूल भुलैया वन को लेके? पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस वन ऑल्सो एंड हाँ अभी देखते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं मूवी देखने जाने वाली हूँ। Fingers crossed, I'm sure it will. Thank you. डिनर 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 डिनर
इतने सारे माइक रखते हैं, साथ में खाना भी रख देते यार। यार अनीस भाई एक बहुत मज़ेदार फिल्म मेकर हैं, मैंने सिंग इज किंग की थी और बहुत मज़ा आया था अनीस भाई के साथ काम करके तो, और वो दोस्त भी हैं और कलाकार भी हैं बहुत अच्छे, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है कि एक फिल्म बनाई है बहुत दिनों बाद। मुबारक दिखी थी लास्ट, उसके बाद शायद ये तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। कंपेयर करने का तो वो तो है, वो तो आदत थोड़ी छूटती है, वो तो करने लगेंगे, बट हर एक फिल्म अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है उसकी, और आई थिंक कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो, बट देखने के बाद ही पता चलेगा। देखिए हम तो यही मतलब चाहते हैं कि फिल्में चलें थिएटर में। अब दो साल में जो बेसिकली कोविड की वजह से कई लोगों की आदतें बदल गई हैं, घर में बैठने की आदत पड़ गई है, टीवी देखने की आदत पड़ गई है, मोबाइल पे देख लो, तो आई थिंक स्लोली अब निकल रहे हैं लोग, और फिल्मों में ऑब्वियसली उतना दम होना चाहिए कि लोगों को खींच के लाए अपनी तरफ, तो मुझे तो लगता है ये थोड़ा है इंटरेस्टिंग फिल्म है होगी, एंड इंशाल्लाह इट शुड बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू। मैंने ये फिल्म कल देखी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एंड आई थिंक द ऑडियंस विल एंजॉय दिस। सर कार्तिक आर्यन अभी तक जो है सीरियस फिल्म या कॉमेडी फिल्म में दिख रहे थे, सर ये एक हॉरर जॉनर की कॉमेडी फिल्म है, सर आपको क्या लग रहा है कितना ये इन्होंने कितना अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है ना, ऑडियंस विल बी सरप्राइज्ड टू सी टुमारो, प्लीज गो एंड वॉच इन द थिएटर। सर बॉलीवुड की फिल्मों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि एक स्लैक पीरियड चल रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में जिस तरह से पहले हिट होती थी या सुपर हिट होती थी, कल हिट हो गई।
सेंटर सेंटर भाई आ यहां पे ऐसा सेंटर आ लेफ्ट थैंक यू भाई आ जाओ हमें यहाँ पर 10 मिनट लिया